नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले शिक्षक भर्ती 2019, तो आज की क्या है खबरें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहा उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का निर्णय सही। ठीक है दोस्तों, तो सरकार ने मतलब ये कहा कि जिनके जो उन्होंने कट ऑफ लगाई है 60 से 65%, उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, सरकार ने ये कहा है दोस्तों, आपकी दलील रखी कोर्ट के सामने। तो दूसरी बात क्या रहेगी आपकी, कोर्ट में सरकार ने रखा अपना पक्ष, सुनवाई आज भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है और क्या होगा वो पता चलेगा दोस्तों। और जो आपकी दायर याचिका में क्या कहा गया था वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। दायर याचिका में दोस्तों ये कहा गया है विभाग द्वारा कि जारी नोटिफिकेशन में ऐसे किसी भी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई, मतलब कट ऑफ की बात नहीं की गई थी पहले, इसलिए परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क तय करना कानून सम्मत नहीं है और यह नियम के विरुद्ध भी है। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए कट ऑफ तय कर दिया दोस्तों। ठीक है, जबकि यह नियम है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़िएगा एक बार फिर से आप लोग जरूर, कि एक बार अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद, ठीक है, नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? ठीक है, अगर मान लेते हैं कल को अगर सरकार ये कहे कि आपके 69,000 पोस्ट की जगह वो सिर्फ 5,000 पोस्ट देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग काफी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने हमसे 600-600 रुपए फीस तो ले लिया, मतलब 600-600 रुपए फॉर्म भरा लिए, इतने पैसे ले लिए आपने, पैसे खा लिए, उसके बाद आप 5,000 से वैकेंसी कर दिए, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों, इन्होंने पहले नहीं बताया था कि आपके कट ऑफ कितने नंबर होने वाले हैं और लास्ट में उन्होंने कट ऑफ कैसे जारी कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप बताइए, अगर आपकी पहले 69,000 सीट बोल के ये 5,000 सीट कर देते तो क्या सही रहता? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सरकार के इस से मतलब सहमत है या नहीं सहमत है। ठीक है, तो आप लोग सोचिए जरूर दोस्तों, ये बात नहीं है कि कट ऑफ कम होने से आपको लॉस हो या ना हो, लेकिन आने वाली जो आपका यूपी का फ्यूचर होने वाला है, अपने स्टेट का फ्यूचर होगा, वो क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसे समझ सकते हैं। बात यहाँ सिर्फ हमेशा फायदे घाटे दोस्तों अपनी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी और भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये गलत है या सही। तो आप लोग भी काफी जानकार हो चुके हैं दोस्तों सभी लोग, कि एज 18 साल से ऊपर है, सभी लोग वोट करने वाले हैं इस बार, तो 18 प्लस सभी लोग दोस्तों हैं, तो सभी लोग वोट करेंगे। तो आप लोग सोचिएगा जरूर ये क्वेश्चन, कि अगर कल को वो सरकार, आपकी सरकार 69,000 सीट की जगह ये बोल दे कि हम सिर्फ 5,000 सीट्स में ही वैकेंसी लेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, तो वैसे ही जो सरकार ने पहले कहा था कि कोई कट ऑफ नहीं होगी, क्या बोला गया था पहले दोस्तों, कोई कट ऑफ नहीं होगी, तो बाद में कट ऑफ क्यों लगाई इन्होंने? ठीक है, तो अगर ये बात भी सही नहीं है तो ये बात भी दोस्तों सही नहीं होगी। तो बस यही बात थी कि कट ऑफ या तो वापस करनी चाहिए या तो उनको सही से लगाना चाहिए, या तो पहले वो बता देते कि कट ऑफ 60-65 का, वो बोल देते 90 से 100 जाएगी, तो भी बच्चे उस हिसाब से पढ़ाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों नंबर लाने आज के दिन। ठीक है, लेकिन बता के तो रखो, सबको पता होता है इंटर हाई स्कूल के जो भी सभी पेपर में पहले से डिसाइड होता है कि फेल में कितने नंबर है, पासिंग कितने नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार हाई स्कूल का पेपर आए रिजल्ट, वहाँ लाखों बच्चे, क्या वहाँ तो बहुत ही ज्यादा बच्चे भरते हैं दोस्तों, वहाँ मिलियंस में बच्चे आते हैं, तो वहाँ लास्ट में कट ऑफ आ जाए दोस्तों, कह दें पासिंग मार्क 90 नंबर है, तो सारे लड़के फेल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो जो बात भी सही हो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आज आपकी बात अच्छे से रखी जाएगी वहां पर, और जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे कि आपका हाई कोर्ट से क्या आया। आई थिंक कोर्ट्स में आपकी ही जीत होगी और सभी बच्चों की जीत होगी दोस्तों, यहाँ बात सच की जीत होनी चाहिए। ठीक है, किसी को नंबर से दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कट ऑफ चेंज होती है तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें।